जियो का सबसे लोकप्रिय प्लान जो पहले 239 रुपए का था अब वो 299 रुपए का हो गया है। इसी तरह एयरटेल ने भी अपने 239 रुपए वाले प्लान की कीमत बढ़ाकर 299 रुपए कर दी है। इस प्राइस हाइक ने शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मोबाइल यूजर को प्रभावित कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जियो, एयरटेल और अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ाने के फैसले की। इस बढ़ोतरी के चलते कई यूजर्स नाराज हैं और इसके समाधान की तलाश में हैं। इसी बीच सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने एक नया दाम खेला है जिससे यूजर्स के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। 3 जुलाई 2024 के बाद जियो, एयरटेल और अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम में 25% की भारी बढ़ोतरी की है। जहां पहले आपको कम कीमत में अनलिमिटेड कॉलिंग डेटा और SMS मिलते थे, अब वही सुविधाएं आपको महंगे दामों पर मिल रही हैं। उदाहरण के लिए जियो का सबसे लोकप्रिय प्लान जो पहले 239 रुपए का था अब वो 299 रुपए का हो गया है। इसी तरह एयरटेल ने भी अपने 239 रुपए वाले प्लान की कीमत बढ़ाकर 299 रुपए कर दी है। इस प्राइस हाइक ने शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर असर डाला है। इस प्राइस हाइक का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो प्रतिदिन भारी मात्रा में डेटा का उपयोग करते हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो इंटरनेट के बिना एक दिन भी नहीं बिता सकते, उन्हें अब अपने बजट को फिर से समायोजित करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जिनकी आय सीमित है, उन्हें इस बढ़ोतरी से काफी परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में BSNL ने अपने उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा कदम उठाया है। BSNL ने कम दाम में ज्यादा फायदा देने का निर्णय लिया है। BSNL के नए रिचार्ज प्लान्स में आपको कम कीमत में ज्यादा डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलेगी। उदाहरण के लिए BSNL के 199 रुपए के प्लान में आपको 30 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 2GB डेटा, 100 SMS प्रतिदिन और अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलती है। BSNL का यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को राहत पहुंचा रहा है बल्कि उन्हें एक सस्ता और विश्वसनीय विकल्प भी प्रदान कर रहा है। BSNL के पास देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बेहतर कवरेज है जहां अन्य प्राइवेट कंपनियां पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। BSNL के अन्य प्लान्स में 107 रुपए का प्लान है जिसमें 35 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 3GB डेटा मिलता है। 399 रुपए का प्लान 70 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन प्रदान करता है। BSNL ने अपनी रणनीति को ध्यान में रखते हुए टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी की है जिससे उसका नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा गुणवत्ता में और सुधार होगा। टाटा ग्रुप के अनुभव और इनोवेशन से BSNL को काफी फायदा होगा। बस अब बहुत लूट लिया जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों ने, हमें अब बारी है इन्हें सबक सिखाने की। उपभोक्ताओं ने BSNL के इस कदम का स्वागत किया है। बहुत से लोग जो प्राइवेट कंपनियों के महंगे प्लान से परेशान थे, अब BSNL की ओर रुख कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग कम बजट में अधिक सुविधाओं की तलाश में रहते हैं, BSNL का यह कदम काफी लोकप्रिय हो रहा है। जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों की प्राइस हाइक ने उपभोक्ताओं को काफी निराश किया है, लेकिन BSNL का कम दाम में ज्यादा फायदा देने का निर्णय उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है। अगर BSNL अपनी सेवा गुणवत्ता को बनाए रखता है और अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करता है, तो यह कंपनी भविष्य में डेटा किंग बन सकती है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उपभोक्ताओं के पास हमेशा एक विकल्प होता है। BSNL ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी कंपनी होने के बावजूद वह अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझती है और उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी क्या राय है इस बारे में?